21 जून को माता कलिसिया संत अलोविस गोंजागा का पर्व मनाती है। इनका जन्म इटली के कास्टिग्लोन में एक शाही इतावली परिवार में हुआ था। इनके पिताजी इटली के राजा सामंत वीर सेनापति और राजनीतिज्ञ थे। इनके पिताजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा सिकंदर महान की तरह एक महान व्यक्ति बने। अतः पिताजी के जिद पर उसे 5 साल की उम्र से ही एक सैनिक और दरबारी बनने की प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इनकी मां एक धर्मपरायण महिला थी और अक्सर सेवा के कामों में लगे रहती थी, और वह चाहती थी कि उनका बेटा लोगों की सेवा में आगे बढ़े। इस मतलब को रख कर रोज दिन वह प्रभु से प्रार्थना किया करती थी। इस तरह संत अलोविस गोंजागा बचपन में मां बाप के बेमेल सोच के बीच में पिसता रहा। 8 साल की उम्र में 2 साल के लिए राज दरबार का अनुभव करने और फ्लोरेंस के राजकुमार का सहचर होने के लिए अपने भाई के साथ फ्लोरेंस के राज दरबार में भेजा गया, पर वहां संत अलोविस को मन नहीं लगा। मां के सेवा कार्य करना और उनकी प्रार्थना का असर संत अलोविस के मन में होने लगा था। दुनिया की क्षण भंगुरता को वह समझने लगा और उसके लिए कोई चीज शाश्वत और महत्वपूर्ण थी तो वह था ईश्वर का प्रेम, और उसे पाना ही उसका सर्वोत्तम लक्ष्य बन गया था। इस सोच और समझ के कारण उस राजदरबार में सभी यशो आराम की चीजें होने के बावजूद भी अंदर से एक बड़ी बेचैनी रहती थी। पिताजी की ओर से सांसारिक सामान पाने का दबाव और मां की ओर से प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा के बीच उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस रस्सा कस्सा की स्थिति में अपने आप को वह माता मरियम को समर्पित कर दिया और प्रार्थना किया, हे मां मरियम, मुझे बता कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों के बाद खुद के अंतःकरण से इसका जवाब मिला। एक पुरोहित बनकर सुसमाचार का प्रचार और दीन दुखियों की सेवा में लग जा, और इससे उनके मन दिल को एक अजीब सुकून मिला। 12 साल के उम्र में वह पहला परम प्रसाद संत चार्ल्स बोरोमियो से ग्रहण किया और सदा के लिए मन ही मन ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया था। पुनः राजदरबार में उसे रखा गया ताकि उसका मन संसारिकता में बढ़े, पर उसका दिल दिमाग विचलित नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अपने पिताजी को अपने जीवन के मकसद को लेकर अपनी इच्छा को बताया और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वह अपना पहलौठा का अधिकार अपने भाई को देगा और वह एक धर्म संघी पुरोहित बनेगा। उसका पिता इस निर्णय का घोर विरोध किया। पिताजी की सहमति के लिए वह प्रार्थना करते हुए करीब 3 साल तक प्रतीक्षा करते रहा। बाद में उनके पिताजी का मन बदला और उसे अनुमति मिले। 17 साल की अवस्था में वह यीशु धर्म समाज के नव शिष्यालय में प्रवेश लिया। अधिकारियों के प्रति सदैव आज्ञाकारी रहते हुए वह बड़ी उत्सुकता और उदारता से अपना सभी कर्तव्य कामों को करता था। प्रतिदिन 1 घंटा का ध्यान प्रार्थना उनका सबसे खास और उत्तम रहता था। गुरुकुल में अपने भक्तिमय और उत्तम आचरण से सबका प्रिय हो गया था। अपने 6 साल के प्रशिक्षण से आध्यात्मिक जीवन पर परिपक्व हो चुका था। 1587 ईस्वी में रोम और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्लेग महामारी का महासंकट आ पड़ा। पता नहीं उस समय क्या सोचकर संत अलोविस गोंजागा अपने सारे लेखों, नोट्स और पुस्तकों को एक अधिकारी को सौंप कर और उनसे अनुमति लेकर महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए निकल पड़ा।
निस्वार्थ भाव से खुद को भूलकर जितना बन पड़ा उनकी सेवा की और अंततः स्वयं उसी बीमारी के शिकार हो गए। दूसरों के जीवन की रक्षा करते करते स्वयं 21 जून 1591 ईस्वी में मात्र 23 साल की उम्र में अपनी जान गंवा बैठे। 1726 में वे संत घोषित किए गए। आज के भौतिकतावादी युग में जब युवक युवतियां हर तरह संसारिक मौज मस्ती और यीशु आराम की खोज में लगे होते हैं और दुनियाई मोह माया और आनंद को ही अपना लक्ष्य मानने लगते हैं, ऐसे में संत अलोइस गोंजागा का जीवन उनके लिए एक आदर्श था। अतः 1729 ईस्वी में वे कैथोलिक युवाओं के संरक्षक बनाए गए।